अगर आप भी कॉइन DCX यूज़ करते हैं और आपके पास कुछ कॉइन्स हैं जिन्हें आप बेचना चाहते हैं, लेकिन जब भी आप बेचने के लिए जाते हैं उस पर ऐप पर और सेल पर स्वाइप करते हैं, तो आपको एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है या तो आपकी क्वांटिटीज लॉक्ड हैं या फिर आपके पास इनसफिशियंट बैलेंस है। और इस परेशानी से छुटकारा पाने के लिए आप कई सारे ऑप्शंस ढूंढ चुके हैं, लेकिन जब भी आप यूट्यूब पर जाते हैं तो आपको बताता है कोई कि आप इसमें 100 रुपये का रिचार्ज करें, 500 रुपये का रिचार्ज करें या फिर 100 रुपये डालकर कोई कॉइन खरीदें, फिर वो अपने आप अनलॉक हो जाएगा। फिर भी अगर आपका कॉइन अभी तक अनलॉक नहीं हुआ है तो और आपने फाइनली इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ही नहीं बल्कि मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि अगर आपकी क्वांटिटीज लॉक्ड हैं तो उसको आप अनलॉक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में आपको दोनों चीजें बताने वाला हूं कि आप कॉइन लॉक कैसे करते हैं और अनलॉक कैसे करते हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं मालूम होगा कि आप लॉक कैसे करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप उसको दोबारा जाने अनजाने में दोबारा से लॉक कर देंगे और आप फिर परेशान रहेंगे कैसे अनलॉक करें। अब आपको आ जाना है अपने पोर्टफोलियो पर। कॉइन DCX ऐप ओपन करने के बाद आप उसमें आप पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपके कॉइन सेवर टोकन दिखेंगे जो आपने रिसेंटली खरीदे हैं। ठीक है, अब चूंकि मेरे यहाँ पर तीन चार कॉइन दिख रहे हैं, बिटकॉइन, एथेरियम, पॉलीगॉन एंड इंटरनेट कंप्यूटर। अब मैं एग्जाम्पल तौर पर क्लिक करता हूँ पॉलीगॉन पर। क्लिक करने के बाद अब यहां पर मुझे एक ऑप्शन दिख रहा है अर्न, मैं उस पर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने लिखकर आ रहा है 7 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। मतलब मैं अपने इन कॉइन्स को कितने दिनों के लिए लॉक करना चाह रहा हूं। मैं एग्जाम्पल तौर पर करता हूँ 30 डेज के लिए या फिर 7 डेज के लिए, और स्वाइप टू अर्न मुझे दिखा रहा है कि मैं कितने पैसे अर्न करूंगा उससे। इसमें मेरे में आ रहा है कि मैं बस 3 रुपये 88 पैसे अर्न करूंगा, बट मैं स्वाइप कर देता हूं। स्वाइप करने के बाद अब मैं जब दोबारा पॉलीगॉन पर जाऊंगा तो यहां पर मुझे ये लॉक बैलेंस दिखाएगा। सेम चीज दूसरे कॉइन के साथ करके देखते हैं। अब जैसे सबसे पहले मैं देख लेता हूं बिटकॉइन को। बिटकॉइन पर क्लिक करने के बाद मैं यहां फिर से क्लिक करता हूं अर्न पर। अर्न पर क्लिक करने के बाद फिर से ऑप्शन आ रहे हैं 7 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। मैं इस बार में 30 डेज क्लिक करता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे कॉइन्स 30 डेज के लिए लॉक्ड रहेंगे। मैं 30 डेज तक इनको बेच नहीं सकता हूँ, डिपॉजिट विड्रॉल नहीं कर सकता हूँ। अब इसमें मुझे 14 रुपये मिलेंगे, लेकिन मैं करके देखता हूँ, ये भी लॉक्ड हो गया। अब मैं जब दोबारा जाता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है लॉक बैलेंस। जब मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगा तो ये दिखाएगा लॉक बैलेंस आर क्वांटिटीज दैट आर लॉक्ड इन ओपन ऑर्डर्स और रिवॉर्ड एंड कैन नॉट बी एक्सेस्ड। मतलब इसमें आपने रिवॉर्ड की अप्लाई किया है और आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि कॉइन लॉक कैसे होते हैं या क्यों हो जाते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको अनलॉक कैसे करते हैं। आप अपने ऐप पर जाएंगे और उसके होम पेज पर आपको मिडिल में एक ऑप्शन दिख रहा है अर्न, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारे आपके वो कॉइन्स या फिर टोकन आ जाएंगे जो लॉक्ड क्वांटिटीज हैं। अब जिसको भी आपने अनलॉक करना हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां दिख रहा है पॉलीगॉन 7 डेज लेफ्ट है, मतलब हमने 7 डेज के लिए किया हुआ, इसको 7 डेज बचे हुए हैं, जितने दिन बचेंगे उतने दिन यहाँ पे लिखा रहेगा और ऑटोमेटिकली उतने दिन के बाद ये अनलॉक हो जाते हैं अगर आप मैन्युअली अनलॉक ना करें तो। अब मैं पॉलीगॉन पर क्लिक कर देता हूँ, ऊपर जो एलिप्सिस दिख रहे हैं 3 डॉट्स, उस पर क्लिक करेंगे। अब एक ऑप्शन आ रहा है कैंसिल का, उसमें क्लिक कर दूंगा कन्फर्म कैंसलेशन। सेम चीज नेक्स्ट कॉइन के साथ, बिटकॉइन के साथ ऊपर जाएंगे एलिप्सिस से, फिर 3 डॉट पर कैंसिल क्लिक करेंगे, कैंसिल पर क्लिक करेंगे और कन्फर्म कैंसलेशन। ये सारे हमारे कॉइन अनलॉक हो गए हैं। अब मैं अगर अपने पोर्टफोलियो पर जाता हूँ और मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो मैं इनको सेल कर सकता हूँ पैसे डालकर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ जा रहा है कि मैं इनको बेच सकता हूँ। तो होपफुली अब आप कॉइन DCX ऐप में लॉक्ड और अनलॉक्ड क्वांटिटीज का सिस्टम समझ गए होंगे। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल नहीं रहा है तो भी आप लिख सकते हैं कि आपको क्या परेशानी अभी फील कर रहे हैं। मैं एक और वीडियो से बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।